नमस्कार, आप देख रहे हैं आज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। ग्राम बैलवा में श्री वीर हनुमान मंदिर ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ समस्त ग्रामवासी एवं कठोतिया परिवार के नेतृत्व में महिलाओं पुरुषों के द्वारा निकाली कलश यात्रा 26 जून को हवन यज्ञ में पूर्णावृत्ति के साथ होगा भंडारा, जिसमें प्रसादी की जाएगी। कठोतिया परिवार के चौथल सीताराम श्रवण ने बताया कि बैलवा में वीर हनुमान मंदिर से प्रातः कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गाँव में सभी मोहल्ले बाजारों से होते हुए श्री वीर हनुमान मंदिर आकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं पुरुषों ने नाचते नाचते हुए मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा में भाग लिया। जगह जगह कलश यात्रा में श्रद्धालुओं के द्वारा फूलों की वर्षा की गई। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रोजाना श्री वीर हनुमान मंदिर परिसर में पंडित कमलकांत सिकंदरा मेहंदीपुर बालाजी वालों के मुखारविंद से कथा का वाचन किया गया। आज की कथा में कथावाचक पंडित कमलकांत सिकंदरा मेहंदीपुर वालों के द्वारा परीक्षित जन्म सुखदेव जन्म सृष्टि की रचना का वृतांत सुनाया गया एवं शिव पार्वती जी की जीवन की झांकी निकाली गई। कथा के दौरान अपने प्रवचनों में कहा कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है एवं जिस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता है वहां एवं उसके आसपास का वातावरण शुद्ध एवं धार्मिक हो जाता है एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के पाप का नाश होता है। मानव को हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए जिससे मानव का कल्याण होता। श्रद्धालुओं के द्वारा कथा श्रवण की गई। 26 जून सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की हवन पूजन के साथ पूर्णाहुति के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा जिसमें श्रद्धालु पाएंगे प्रसादी। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक अधिकारी कर्मचारी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभी समाज बंधुओं ने अपनी भागीदारी निभाते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्रद्धालु कठोतिया परिवार के चौथल सीताराम जी श्रवण ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की पुण्यवृत्ति दिनांक 26 जून सोमवार को हवन पूजन यज्ञ भंडारे के साथ की जाएगी जिसमें आने वाले सभी श्रद्धालु प्रसादी पाएंगे। सांगाने रोपी शर्मा की रिपोर्ट।